दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लाडली बहना योजना का लिस्ट 2023 डाउनलोड करना सीखें या न देखें। मतलब कि अगर आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो लिस्ट है दोस्तों, पात्र पात्र महिलाओं की जो सूची है, उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, किस स्टेप को फॉलो करना होगा, तो आप देख सकेंगे और जान पाएंगे। दोस्तों चलिए इसी वीडियो में हम आपको बता देते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है, यानी कि देख पा रहे हैं https://cmladlibehna.mp.gov.in पर जाना होगा। ठीक है, साइट के होम पेज पर आपको लाडली बहना योजना बेनिफिशियरी लिस्ट जो होगा, अंतिम सूची विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे लाभार्थी सूची पर क्लिक करने पर एक नया पेज होगा। दोस्तों जब आप लाडली बहना की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, इसके बाद दोस्तों आपको एक साइड पर लिखा होगा लाडली बहना योजना बेनिफिशियरी लिस्ट, यानी कि अंतिम सूची विकल्प। ठीक ना, वहाँ पे आपको लाभार्थी सूची पर क्लिक करना होगा, जो लाभार्थी सूची होगा वहाँ पे क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर से OTP देने के बाद, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, OTP देने के बाद नया पेज ओपन होगा। जब आप वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालेंगे, फिर OTP आएगा, OTP देने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, जिसमें आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी, जैसे पंचायत का नाम या वार्ड का नाम, जिला, ब्लॉक आदि जो है पूछा जाएगा। ठीक है, आगे आपको बता दें सभी जानकारी सही से भर दें और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जितने, जैसे यहाँ पे आपका वार्ड का नाम पूछे, ग्राम पंचायत का नाम पूछ देगा, जिला ब्लॉक पूछेगा, तो आप वहाँ पे सही से भर देंगे। इसके बाद जो है आपका फाइनली लिस्ट डाउनलोड होगा। अब कैसे होगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सभी जानकारी को सही से भर देना है आपको, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसा करते ही आपको सामने स्क्रीन पर नई लाभार्थी सूची देखने को मिल जाएगी। क्लिक हर पर क्लिक करके सूची डाउनलोड करें, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। दोस्तों चलिए हम आपको दिखा देते हैं प्रैक्टिकली। इस लिंक पे हमने क्लिक कर दिया, cmladlibehnayojana.gov.in पर आ गए हम। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है मोबाइल नंबर सत्यापित करें, अंतिम सूची, और यहाँ पे दोस्तों मांग रहा है अपना मोबाइल नंबर भरें। तो यहाँ पे मैं फाइनली अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, तो मोबाइल नंबर जो हमारा है, मोबाइल नंबर फटाक से भर देते हैं। ये मोबाइल नंबर डाल दिए, जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कैप्चर कोड मांग रहा है, तो यहाँ पे हम भर देते हैं कैप्चर कोड 4 हो गया। इसके बाद भर दिए सी, इसके बाद दोस्तों सॉरी एक मिनट, सी हो गया, पे हो गया 8, पे 9, और यहाँ पे दोस्तों आपको OTP प्राप्त पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो देख पा रहे हैं इस नंबर पर लिखा हुआ है कि सफलतापूर्वक OTP भेजा गया। दोस्तों हम ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर नीचे OTP दर्ज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो OTP हम तब तक मंगवा लेते हैं। OTP लाओ मोबाइल, लाओ मोबाइल, मोबाइल आ चुकी है। OTP डाल देते हैं, जैसे आइए 2553। OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा है OTP सत्यापित करें और आगे बढ़ें, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदिका को सर्च करने हेतु विकल्प का चयन करें। यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है आवेदिका को सर्च करने के लिए विकल्प का चयन करें। तो देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे ज़िला पूछ रहा है, तो ज़िला जैसे हमारा सीधी है, तो मैं जो ज़िला है अपना सीधी डाल देता हूँ। रीवा हो गया, शहडोल, ये सीधी डाल दिया अपना। इसके बाद यहाँ पर स्थानीय निकाय जैसे जनपद पंचायत मझौली यही लगा दिया हमने। और यहाँ पर अपना जो गाँव है वो पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर अपना गांव डाल देते हैं। गांव जैसे डालेंगे दोस्तों तो ये हो गया। बाढ़ पहुंच रहा है दोस्तों, तो ये कर दिए। इसके बाद यहाँ पे हम दोस्तों दिखा दें आपको अनंतिम सूची देखें, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पर सारा चीज़ जो है भरा हुआ आ गया है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रमांक हो गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रमांक, आवेदन क्रमांक, आवेदिका का नाम, मुखिया का नाम, मुखिया से संबंध, आयु, वर्ग, वैवाहिक स्थिति, सारा चीज़ दोस्तों फाइनली आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है मुखिया का नाम, सारा चीज़, इतने सारे लोग जो हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हैं आप इनमें से किसी का भी देख सकते हैं, जैसे अपना भी देख सकते हैं, दूसरे का भी देख सकते हैं। मतलब कि फाइनली पूरा रिजल्ट जो है आ चुका है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आपको मैं बता दिया कि आपका जो है कैसे लिस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना का योजना का लिस्ट। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।